वेलकम जी भाई हैदराबाद का। आज विलाग का जनाब शाम को हमने आगाज किया, अभी तकरीबन कुछ 10:30 का टाइम हो गया। आज विलाग बना रहे हैं हम। आज बनाएंगे हम मक्खन से मक्खन 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 दही से मक्खन, वो क्या कहते हैं उसको, मलाई से मक्खन। अभी बेगम साहब बना रही है मलाई से मक्खन। और आज गए हुए स्नैन लोग मामू के यहाँ और हम मैं इधर अकेले। तो जी आज हम यार सारा दिन पड़े रहा हूँ सुस्ती की, यार ना नहाया ना खाया ना पिया, लेकिन खाया पिया बहुत जबरदस्त है। आज सैटरडे था और माशाल्लाह घर पे ही था, कोई ऑफिस नहीं गया। तो आज हम आपको बताते हैं कि मलाई से मक्खन कैसे बनाते हैं। ये देखते हैं जनाब, ये बन रहा है मलाई से मक्खन, और कुछ ये बन गया और कुछ ये मशीन चल रही है और फर फर चल रही है और फर फर चल रही है। बेगम साहब बना रही है ये, पर ये मलाई भाग रही है यार, ये मशीन भाग रही है यार, क्या कर रही है यार, भाग तो नहीं जाएगी, नहीं जा रही, नहीं जा रही। ये आज बना रहे हैं हम जनाब मक्खन बना रहे हैं, मक्खन मक्खन ये बन गया है, ये बन गया मक्खन, ये बन गया। अच्छा ये बना पड़ा है, इसको ना साफ करेंगे अभी बेगम साहबा, और सुबह हम खाएंगे पराठे। ओए होए तंदूरी पराठा खाना मज़ेदार काम है। और अपनी ये बेगम साहबा बना रही है दूसरा, उसको कर रहे हैं। किचन में आज कोई खास हालत नहीं, क्योंकि सिस्टर जो है वो इधर नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उन्होंने कोई यूज नहीं किया। ब्रेड तो पड़ी है, बेगम सुबह ब्रेड के साथ ही नाश्ता कर ले मेरे ख्याल में, और बाकी ये किचन नॉर्मल, इतना कोई सेट नहीं किया। देखते हैं टेरेस की क्या सूरत हाल है। यार आज बल्लू मेरा नहीं है, आज इधर बल्लू नहीं पड़ा यार, बल्लू गया हुआ मेरा, तो बल्लू के बगैर जो वीडियो का मजा नहीं आ रहा। स्नैन भी नहीं है, स्नैन भी चारों भाई और वाली तरह रानी भी गई हुई है, वो गए हुए हैं मामू गुलजार के यहाँ। चलो अच्छा है, बच्चे एंजॉय करते हैं कजनों के साथ। स्नैन वो अहमद है, जैन है, नूर है, मन्नू, सबके साथ एंजॉय करेंगे। तो हम आज हैं अकेले इतने बड़े घर में, कनाल के घर में, ऑपरेशन में दो लोग हों तो मेरे ख्याल में तो इतना वो मज़ा नहीं आता, वो बंदा डरता ही रहता, घबराता ही रहता है। तो बेगम साहबा बना रही है मलाई और हम इंजॉय कर रहे हैं बैठ हवा हवा। खाने के बाद खाने खाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि खाना हमने पहले ही खा लिया बड़ा ज़बरदस्त। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैर की क्या हालात है। आज मैंने वैसे जाना था, आज मैंने जाना था बकरा लेने के लिए, दुम्बा लेने के लिए, लेकिन बलून नहीं था, मैं इसलिए नहीं गया। और वो क्या कहते हैं कि वच्छा लेने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश है कल गर्मी कम हुई तो मैं जाऊंगा। गर्मी में मेरा दिल नहीं करता, रात को मैं निकलता नहीं हूँ इतना। यार आप मशवरा दें कि क्या करूँ। और दोस्त बताएं कि यार वच्छा लेना चाहिए, कट्ठा लेना चाहिए, और दुम्बा तो होगा, बकरा भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। और कुर्सी हिल रही, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं ही बैठा हूँ इस वजह से हिल रही। रान की आज बड़ी अच्छी सूरत हाल थी, क्योंकि माली आया हुआ था, उसने बहुत ज़बरदस्त साफ किया। ऊपर भी गया था मैं, अभी छत से नज़ारे करवाता हूँ आपको फिलहाल, क्योंकि अंदर ही बेगम साहब काम कर रही हैं और वो डरती भी हैं अकेली। वो कह रही थी कि यार इधर ही बैठे मेरे सामने, तो मैं इधर ही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं बेगम, मैं आ गया हूँ, मैं तेरी पहुँच से बहुत दूर नहीं बल्कि तेरी पहुँच में आ गया हूँ। दोस्तों को एक तो ईद भी आ रही है, अब बकरे ले लिए होंगे, कट्ठे ले लिए होंगे, बच्चे ले लिए होंगे, लेकिन ये महीना ये जो चांद नजर आ गया रबी अव्वल तक, ये 2 महीने जो हैं, यानी कि 3 महीने बन जाते हैं, ये जिल हज्जा और उसके बाद मुहर्रम और सफर। 28 रजब से काफिला निकला हुआ है आल रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सफ़र में ही मुसलसल थे। और 8 जिलहज्जा को जनाब इमाम अली मकाम जो है मक्का छोड़ देंगे। 8 जिलहज्जा तक जो मदीना से काफिला चला था, मुसाफत तय करता हुआ मक्का में पहुंचा, मक्का में उमरा किया और हज का इरादा था, लेकिन बंधे हुए आराम खोल कर मौला अली मकाम और पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान रिसालत, और वो रवाना हुआ करबला के लिए। 2 मुहर्रम को करबला में पहुँचे और ये सानिया रूनुमा हुआ, और फिर अरबैन तक, अरबैन आ जाएगी, तो ये आगे जो दिन आ रहे हैं ये सारे गम के आ रहे हैं। और खानवादा रसूल जो घर वाले हैं, अहले बैत, अतहार, ये सारे सफ़रों में हैं, तो ये आगे जो दिन आ रहे हैं बड़े मुश्किल हैं, बड़े कठिन हैं। ये कुर्बानी, ये एहसास, ये कुर्बानी याद दिलाती है हमें 10वीं मुहर्रम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, ये कुर्बानी का सिलसिला ही है जो करबला तक जाता है। तो ईद आ रही है, बट ईद से पहले 8 जिलहज्जा को, 9 जिलहज्जा को, यानी कि तकरीबन 9 और 10 जिलहज्जा के दरमियान जो है शहादत है बीबिया है रुकैया सलामुल्लाह के बेटों की, 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो शहीद हुए थे कूफा में, उनकी शहादत भी आ रही है ईद से पहले। ईद वाले दिन होती है, यानी कि हमारे पास जो ईद होती है उससे 2 दिन पहले शहादत हो जाती है, 1 दिन पहले।
तो बड़ा मुश्किल मरहला है इनके कूफा में। शहादतें तो शुरू हो जाती है जिलज्जा में, तो बाकी जो सफ़र है ये भी बहुत कठिन है। गर्मियों के सफ़र, सहरा के सफ़र, और कौन सफ़र कर रहा है? अहले बैत अताहर सफ़र कर रहे हैं और सारे बीबियाँ सफ़र कर रही हैं। तो मेरा सलाम हो उन हस्तियों पर जिन्होंने ये मरहला तय किया और करबला तक पहुँचे, और करबला के बाद फिर शाम तक कूफा, शाम, ये मंजिलें बड़ी मुश्किल हैं। तो आज जो हमने ये कुर्बानी है, कुर्बानी आसान नहीं है, कुर्बानी जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके अजर व सवाब अता फरमाए उनको, और बड़ा मुश्किल फैसला है। बेगम साहब ने काम कर लिया अपना, और बीच में मैंने आपको वाक्य भी सुनाया, अभी देखते हैं मक्खन कैसा निकला। तो वेरी गुड माशाल्लाह, ये मक्खन निकल गया भाई, जो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जी, यहाँ पे जो दूध है ना बहुत ज़बरदस्त मिलता है, और उससे मक्खन भी अच्छा निकला। मक्खन की बनाते हैं पराठे, पराठे सुबह सुबह जो है ना वो तंदूरी पराठा हम बनाते हैं। कभी पराठा बनाने का भी प्रोसेस आपको बताएंगे। पराठे बना रहे हैं आजकल, वो मीन्स के इस तरह है कि आप तवे के ऊपर उल्टी रोटी डाल दें, वो अजीब गरीब किस्से का आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो वो भी दिखाएंगे आपको नाश्ता कैसे बनाते हैं। नाश्ता उसको जो हम तो खैर रात को भी उसी के साथ रोटी, वही रोटी बनाते हैं और ज़बरदस्त होती है। बजाय के तवे के ऊपर आप रोटी बनाएं या तंदूर से परचेज करें, तो आप घर में रोटी वो बना सकते हैं। ये शहादत जो थी बच्चों की शहादत, उसके बाद हुई थी सबसे पहले सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है कूफा के दारुल अमारा से, सर कलम किया जाता है और बाजार में गिरते हैं लाशा जो है। और ये सर मुबारक को, सर अकदस को कूफा के बाजार के अंदर दरवाजे के ऊपर लटकाया जाता है। जब ये करबला में 10वीं मुहर्रम का आशूरा वाले दिन शहादतें होती है, उसके बाद 11 मुहर्रम को काफिला चलता है कैद व पाबंद में। तो जब वो चलते हैं कूफा के दरवाजे पर पहुँचते हैं, तो हज़रत अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक वहाँ पर नज़र आता है। और उससे पहले इत्तला मिल गई थी कि जो जोड़ी हम कहते हैं, दोनों बेटे भी शहीद हो चुके थे और हज़रत अमीर मुस्लिम भी शहीद हो गए थे, सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये बड़ा दर्दनाक वाक़या था, बहुत दर्दनाक। यहाँ से आगाज़ करबला हो जाता है, इनके 8 ज़िलहज्जा से, 7 ज़िलहज्जा से आगाज़ जो हो जाता है करबला का। उसके बाद फिर 10 मुहर्रम को शहादत होती इमाम अली मकाम की, और पूरा काफिला फिर कैद होकर कूफा जाता है। कूफा में सर जो दरबा उसमें दरवाज़ा है कूफा के ऊपर लटका होता है, वहाँ से फिर कैद बंद वहाँ पे सौंपते हैं। उसके बाद फिर शाम को काफिला जाता है। तो ये जो दास्तान है सादात की और आल रसूल की, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ, और हज़रत अली सलाम की बेटियों को पाबंद किया जाता है, कैद किया जाता है, जुल्म किए जाते हैं। तो ये साने अभी शुरू हो जाएंगे मजालिस मुहर्रम की, और उससे पहले भी अभी 8 ज़िलहज्जा से ही शुरू हो जाता है सिलसिला। तो इंशाल्लाह हम ये व्लॉग्स के अंदर भी रखेंगे साथ में, पूरे मुहर्रम में आपके साथ शेयर करते रहेंगे वाकयात, जो भी इन दिनों में हो गए वो सारे वाकयात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मुख्तसर व्लॉग है, आज का व्लॉग स्पेशल भी है। आज बच्चे भी गए हुए हैं और घर पूरा खाली है, आज इतना बाहर भी नहीं निकले, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और इस गर्मी में आपको पता है कि काम करना भी बड़ा टफ होता है, और क्या हो सकता है। तो आपके साथ वाकयात भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह, तारीखी पस मंजर के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये साथ में रखेंगे। और हमारे व्लॉग को आपने लाजमी देखना, शेयर करना, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर भी दोस्तों के साथ करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू करेंगे आज 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 जो है ना ज्यादा नहीं है आज इंशाल्लाह, बस कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं बकरा लेंगे, कल मंडी आपको विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।